गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। आज हम लोग दिवाली के दूसरा दिन है। आज 1 नवंबर है एंड कहीं जाना तो है नहीं, तो मैंने सोचा चलो बाइक का ऑयल फिल्टर ये सब चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा रनिंग हुई नहीं है। तो अभी जस्ट निकाला था मैंने, नीचे का गार्ड निकाला तो उसमें देखा इतनी मट्टी और स्लज दिखा, तो मैं अभी पूरा क्लीन किया मैंने। मेरे पास जो बॉश का एक्वाटेक 125 है उससे पूरा ये क्लीन किया है। आई होप विजिबल हो, ये पूरा क्लीन किया मैंने। और वो उसका वो गार्ड रखा हुआ नीचे, वो भी पूरा क्लीन किया, वो भी दिखा देता हूँ। अभी मिट्टी तो निकली नहीं है, ये देखो ये पूरा गंदा था, ये पूरा क्लीन कर चुका हूँ मैं। यहाँ से भी पूरा पूरा डस्ट, ये देखो नीचे से पूरा क्लीन कर दिया है। हाँ अब बस थोड़ी देर वेट करता हूँ ये सूख जाए, थोड़ा धूप में खड़ी कर दूंगा पैडॉक स्टैंड पे लगा के, ऑयल ड्रेन करके फिर ऑयल फिल्टर साफ निकाल के दूसरा ऑयल फिल्टर जो खरीदा हुआ है वो लगा दूंगा एंड ऑयल फिलअप कर देंगे। सो फाइनली 18 इंच का प्लाई लेके स्पैनर लेके आया हूँ मेरे फ्रेंड से, और जल्दी से ओपन करते हैं चेंज करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 4:45 हो गए, आधे घंटे में हो जाना चाहिए। नहीं, इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए, ये नीचे टब में गिरा होगा। सो गाइस, मैं बोल्ट खरीद के लेके आ गया हूँ, मैं दो दो बोल्ट लेके आ गया हूँ बजाज रमिनर के, क्योंकि इसकी ये देखो ये इसके साइड का एक बोल्ट टूट गया, तो इसमें हम लोग करें तो इसको निकालना है। काम या प्लायर इससे ही आ जाएगा, प्लायर इससे आ जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था ज़्यादा टाइट होने से। सो अभी ये जो फिल्टर है जो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है उससे कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो भी चेंज नेक्स्ट ऑयल चेंज जल्दी से करा लूँगा, फिर उसको चेंज करा दूँगा, बता दूँगा मैंने कि ऐसा है। थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, WD यूज कर सकते हो। हल्के से ब्रश एट नंबर स्पैनर से ही ओपन कर देता हूँ ऑयल फिल्टर, ये भी चेंज कर देंगे। तो समझ भी नहीं आता, एंटी क्लॉक वाइज ओपन होते हैं, क्लॉक वाइज ओपन होते हैं।
ओपन ही नहीं हो रहा है, देखता हूँ। ये कैप भी इसमें ही गिर गई, अब इसको मुझको क्लीन करना पड़ेगा। इसको रखता हूँ कपड़े पे। ये ऑयल फिल्टर भी निकल गया, तो ऑयल खराब नहीं हुआ है यार, काला कलर का तो दिख ही नहीं रहा। ओके, तो फ्रेश कपड़ा लेके आ गया हूँ, तो इसको अंदर से अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। तो अंदर कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो सब क्लीन हो जाएंगे, कैसे काला काला हो रहा है। आ जाने दो भाई इनको, और आ जाने दो अच्छी तरह से साफ करके। नया फिल्टर ले आता हूँ। ये ऑयल लेके आ गया हूँ, मोटुल 7100 10W50, 2 लीटर का है, जिसमें से 1.5 लीटर यूज होगा। और ये अपना ऑयल फिल्टर, ये रहा नया ऑयल फिल्टर। देखो इसका नंबर भी आप मैच कर सकते हो, कहाँ लिखा है, ये रहा 014 लास्ट में है, JG57। फिल्टर लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगा मैं। ये जो ऑयल कैप थी वो नीचे गिर गई थी, ऑयल में गिर गई थी, पहले इसको भी साफ कर देते हैं। इसकी भी रिंग बाहर की ये हो गई है, ये बहुत टाइम हो गया चेंज नहीं की इसमें, पूरी निकल रही है इसके। अब एक काम करूँगा, इसको जल्दी से ओपन करता हूँ। ये हो गया ओपन, लाल लाल दिखता है तो ऐसे खून जैसा लगता है, जैसे हाथ में कुछ कट्स तो लग गए। साफ कर लो अच्छे वाले कपड़े से, ये अच्छा नया कपड़ा था, हम लोग पूरा गंदा हो गया। ये भी थोड़ा सा साफ कर दो क्योंकि धूल धूल जाती है। ठीक है, अब ये पूरी जो 1 लीटर वाली है ये ओपन करेंगे। ये देखो यहाँ पे पूरी 1 लीटर तक है, 900 ml और 1 लीटर यहाँ तक, ये पूरा पूरा ड्रेन करेंगे।
एक बोतल तो खाली कर चुके हैं, अब दूसरी वाली ऑलरेडी 950 ml के आसपास है एंड मुझको डालना है 500 ml, यहाँ तक मैं डाल दूँगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक फिलअप कर लेंगे। सुन, ऑयल भर के हो चुका है काम, मेरा पर लेवल दिख रहा है आपको, ये इधर आ गया, लाइट नहीं आ रही है, रुको, ये देखो आप दिख रहा है आपको लेवल। सो गाइस, एक फनल लेके आया हूँ, दो फनल लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है और थोड़ा सा ऑयल भर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल और भर दूंगा। टायर तो ऐसे ज़्यादा ऊपर नहीं है, एक बार फ्लैट रख के देख लूँगा इसको। सो गाइस, ऑयल चेंज प्रॉपरली हो चुका है एंड ये नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ शाम के टाइम में, एंड आज सुबह मैं बाइक भी ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर्स चला के देख के आया, कहीं से ऐसा तो नहीं कि कहीं से लीकेज या कुछ है, तो कहीं से भी कुछ नहीं हुआ, थैंकफुली सब प्रॉपरली हो गया, ठीक है। यहाँ वहाँ भागा दौड़ी करनी पड़ी थोड़ी बहुत, टॉपअप पूरी तरह से कर दिया है, थोड़ा सा 5-10% मैंने छोड़ के रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, वो तो ओवरऑल जब गाड़ी चलेगी तो अपने आप ऑयल इवेपरेट होके वो हो जाएगा। चलो, तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है एंड इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। फर्स्ट टाइम चेंज किया तो डिटेल में इतना बता नहीं पाया मैं, पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे। वेयर हेलमेट एंड सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।